अगर फिर से स्वागत है आप लोगों का KPL Expeditions में। तो गाइज अभी आपको ले जाने वाले हम मनाली और माल रोड में स्नोफॉल चालू हो गया, आज फिर से चालू हो चुका है। लास्ट व्लॉग में तो आपने देखा ही है कि किस तरह का माल रोड में स्नोफॉल होगा, बट आज मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगा और डेट बता दूं, आज की डेट है क्या है 13 और एक दो दिन बाद फिर से स्नोफॉल होने वाला है। तो अभी अगर आपके पास वक्त है तो आ जाएं चुपचाप मनाली और एंजॉय करें स्नोफॉल को। इवन मनाली माल रोड में भी स्नोफॉल हो रहा है और जितना भी पिछली जो बैक साइड है आपका टूवर्ड्स सोलांग वैली वो सब बंद हो चुका है अभी। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा आपको ले चलते हैं मनाली में। तो गाइज जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, जब स्नोफॉल मनाली में होता है तो बसेस पहले ही रोक दी जाती हैं। तो जैसा कि यहाँ देख सकते हैं आप सामने, बसें अब यहीं पे रोक दी जा रही हैं क्योंकि पूरा शाम तक आज स्नोफॉल बता है, इसी चक्कर में वो फंसना नहीं चाहते बस वाले। तो ये वाला भाई थोड़ा आगे ले जाएगा, यहाँ पे पार्किंग लगाने की जगह नहीं है। तो रिस्क से बचने के लिए होता है ये सब, कि अगर रिस्क क्यों लेना फालतू का, अगर जितना आगे जाएंगे ये उतना रिस्क होगा और समझ रहे हो, बस को निकलने में शाम को दिक्कत होगी। तो आज पूरा दिन वैसे स्नोफॉल बताया, अभी तो नहीं हो रही, बारिश भी नहीं हो रही है, मे बी शायद थोड़ा मनाली तरफ जाके ही पता लगेगा। बस पहुंचने वाले मनाली, लगभग 10 किलोमीटर रह चुका है यहाँ से मनाली। तो गाइस फाइनली हम मनाली पहुँच चुके हैं, मतलब अभी नहीं पहुँचे, थोड़ा बस 10 मिनट का रास्ता रह गया। तो अभी मनाली से लगभग 2 किलोमीटर पहले कुछ भी ज़्यादा स्नो नहीं है, थोड़ी देर स्नो पड़ी यहाँ पे फिर बंद हो गई। इस बार मुझे लग रहा है अकाल ही है स्नोफॉल के लिए, होप्स हो कि फ्यूचर में पड़े यार, क्योंकि स्नोफॉल होगा तभी पानी पीने को होगा, अदरवाइज प्यासे मर जाएंगे पूरा इंडिया। सामने तो दिखाई दे रहा है आपको कितनी मस्त स्नोफॉल हुई है, पर थोड़ा सा हाइट पे है वो, हम मनाली में देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ये देखो भाई, थोड़ा थोड़ा स्नो दिखना स्टार्ट हो रहा है, कैसा लग रहा है बताओ। देखो बस थोड़ा सा ऊपर स्नो गिरी है, मस्त वाली गिरी है, और पर अफसोस कि मनाली के नीचे नहीं पहुंच पाई ज्यादा, क्योंकि जो भी स्नोफॉल या स्नो जैन में आती है वही टिकती है, इसके बाद 15-20 जैन के बाद तो वो फिर बर्फ वाली पानी वाली ज़्यादा होगी, उसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। मीन्स स्नो में भी लास्ट में पानी बचता, पर समझ रहे हो ना, बिल्कुल रूई जैसी नहीं आती, फिर उसमें पानी मिक्स ज़्यादा आता है तो वो ज़्यादा देर नहीं टिकती और उसका फ़ायदा भी नहीं होता पहाड़ों को। तो गाइस मनाली में फाइनली हम मनाली में पहुँच चुके हैं, और मनाली के माल रोड का पता नहीं, पर पहले मनाली से थोड़ा सा पहले पिघल चुकी है बर्फ़, सारी पिघल चुकी है, बूंद भी नहीं मिलेगी आपको यहाँ पे। गाड़ियों में थोड़ी थोड़ी जमी हुई है बस, और आप उधर देख सकते हैं मस्त स्नोफॉल हुआ है। ये देखो भाई लेफ्ट साइड थोड़ी थोड़ी बर्फ जमी हुई है गाड़ियों में। तो अगर मैं सुबह की बात करूं, लगभग 8 बजे काफी अच्छा स्नो पड़ रही थी यहाँ पे, बट बाद में रुक गई। तो इस बार लगता है मेरे को 2023 सूखा ही जाने वाला है मनाली का, ज्यादा स्नोफॉल नहीं होने वाला है मेन मनाली में। बाकी व्यू तो आप देख सकते हैं एक नंबर, लेफ्ट साइड देखो बर्फ। हाँ तो मेन मनाली में थोड़ी थोड़ी है टिकी हुई है, और यहाँ पे ट्रैफिक जैम लगता हुआ, और ये तो लगना ही था। तो गाइस ये है कुछ इस तरह का मनाली का। माल रोड में भी बिल्कुल नहीं है स्नो, बट शायद टूवर्ड्स सोलांग वैली मिल जाए आपको तो थोड़ी बहुत है, 2-3 इंच आई है सुबह और वो पिघल गई है, जैसे कि आप आगे सामने गाड़ी में देख सकते हैं थोड़ी सी बिल्कुल यू नो। तो अभी का प्लान हमारा ऐसा बन रहा है कि देखते हैं टूवर्ड्स हामटा चलेंगे या फिर सोलांग वैली, अभी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे, लेट्स सी किस साइड चलें। पहले ट्रैफिक देखेंगे, ट्रैफिक की डिटेल देखेंगे, उसके बाद ही चलेंगे। गाइस इस तरह से Thank you.
ओल्ड मनाली में स्टार्ट हो चुका स्नोफॉल, अच्छे वाला गिरना, मस्त वाला। तो मनाली सब ओल्ड मनाली आ चुके हम, अब वहाँ पे भी स्नोफॉल हो रहा है, क्या बोलते हैं आपका जो माल रोड मनाली है, हमारे बस माल रोड को छूने से ही स्टार्ट हो चुका है स्नोफॉल। अब फाइनली हम पहुँचने वाले हैं सोलांग वैली, तो नहीं बस उसके थोड़ा पीछे जहाँ तक ट्रैफिक लगता है, तो हम दूसरे रास्ते से तो अभी हम दूसरे रास्ते से आए, सोलांग वैली वाले रास्ते से नहीं। अगर मेन रास्ते से आते तो हम ट्रैफिक में फंसे होते अभी, तो इसलिए हम ट्रैफिक में फंसना नहीं चाहते थे। तो ये रास्ता थोड़ा सा ख़राब है, अगर आपकी 4x4 गाड़ी नहीं है तो यहाँ से मत आए। नीचे देखो, लुक एट द व्यू गाइस, तो थोड़ा सा ट्रैफिक जैम हमें भी लग चुका है यहाँ पे सोलांग वैली पहुँचते हुए। लेट्स सी, लुक एट द व्यू गाइस, क्या मस्त स्नो, ओ हो, अब देखो यार, अब इसको बोलते हैं स्नोफॉल के फाहे। और आगे ट्रैफिक में फंस चुके हैं हम, सोने पे सुहागा, ओ माय गॉड, लुक एट द व्यू गाइस। तो गाइस लो, देख लो भाई, 2023 का फर्स्ट भयंकर वाला स्नोफॉल हो रहा है। ये देखो भाई, ये दीदार कर लो। तो केपीएल एक्सपेडिशन वालों, देखो अभी हम जो नेहरू कुंड नीचे रोक रहे थे गाड़ी, तो यहाँ से आगे टूरिस्ट को आने नहीं दिए जा रहे, क्योंकि आगे फिर काफ़ी दिक्कतें होती हैं टूरिस्ट के साथ। तो अभी देखो जिप्सियाँ चल रही हैं, तो जिप्सियों को हायर करके ही आपको आना पड़ेगा। और अगर थोड़ा सस्ता बताऊं तो स्नो स्कूटर यूज़ कर लेना, 2-3 बंदे होंगे, बाकी अदरवाइज़ आपकी गाड़ियां आपको आने दी जाएंगी। ऐसे देखो 4x4 गाड़ियां आएंगी जितनी भी। तो नीचे देखो स्की का, मतलब स्की कर रहे हैं यहां पे, मस्त स्नोफॉल है, वो ज़्यादा नहीं हुआ, लगभग 2-2.5 इंच है। और व्यू देखो यार, तो गाइस देखो कई बार क्या होता है, वेदर रिपोर्ट पे ना भरोसा नहीं किया जाता। तो पिछले कल सुबह का बढ़िया बताया था कि स्नोफॉल होने वाला है, हुआ भी स्नोफॉल माल रोड में, बहुत कम हुआ। बट तो मैंने पहले भी कहा था कि यार 2023 मुझे लग रहा है सूखा जाएगा, बट भाई शाम को शायद मुझे लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। जैसे 6 बजे हम वापस घर की ओर निकल पड़े तो मनाली में चालू हो गया स्नो, बहुत ही तगड़ा स्नोफॉल हुआ, जैसा आप अभी देख सकते हैं। ये भाई शाम को 6 बजे का है, पिछले 13th of January का। और अगर मैं 14th January की बोलूँ, अभी भी माल रोड में लगभग 1 फीट स्नो है। तो अगर आप जाना चाहते हैं मनाली, घूमना चाहते हैं, तो बिंदास होके जाएं अभी कुछ दिनों तक, तो भाई मनाली, मेन मनाली में भी और सराउंडिंग मनाली में भी आपको बहुत अच्छा स्नो मिलेगा और बीच में स्नोफॉल भी मिलेगा। अब जैसे ही कभी भी यार नेक्स्ट उसमें आते हो स्नोफॉल में, वेदर रिपोर्ट चेक करके, तो उसमें आपको स्नोफॉल मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर मेन मनाली तक स्नोफॉल पहुंच गया है तो सोच लो अब वैली का टेम्परेचर और डाउन होगा और आपको स्नोफॉल बहुत इजीली मिलेगा। तो अभी जैन का टाइम है सबसे बेस्ट स्नोफॉल एंजॉय करने के लिए, तो इसलिए अपना बैग पैक कीजिए और टूवर्ड्स मनाली आ जाएं। और अगर आप बजट ट्रैवल प्लान करना चाहते हो मनाली के लिए, चाहे वो जैन का हो, फैब का हो, चाहे मई जून का, तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे दिया, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, आपको पैकेज मिल जाएगा। तो बस फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, एंड स्टे सेफ, बाय बाय।